आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप घर में बड़े पुराने इस टाइप के दुपट्टे से या किसी भी तरह के दुपट्टे से जिसका कि अब आपको यूज नहीं है उससे आप श्रग कैसे बना सकते हो। यहाँ पे मैंने दुपट्टे को दो फोल्ड में इस तरह से दो फोल्ड में इक्वली पार्ट में इस तरह से कर लिया है और इसे मैंने इस तरह से फर्श पे नीचे इक्वली बिछा दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको इस तरह से स्केल लेना है और यहाँ पे मैंने इस तरह से यहाँ से यहाँ ये जो छोटी वाली स्केल होती है इससे आपको इजी वे में मैं बता देती हूँ, ये पूरा एक स्केल नीचे से लेना है और एक पूरा स्केल आपको यहाँ से फोल्ड है, ये हमारा ज्वाइंट है, यहाँ से लेना है हमें। ओके, तो इस तरह से मैंने ऐसे स्क्वायर पूरा कर दिया है और अब आपको बाजू काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे आपको बीचों बीच इक्वली आप इस तरह से एक कटोरे को रख दीजिए और इस तरह से एक सर्किल बना लीजिए। ये देखिए, ये हमारा सर्कल बन गया है। अब आपको क्या करना है, इस सर्किल को इक्वली काट लेना है, तो चलिए इसे काट लेते हैं। यहाँ मैंने क्या किया है, इस सर्किल को इस तरह से मोड़ लिया है ताकि मुझे सर्कल काटने में इजी हो। अब हमें क्या करना है, इस तरह से सीजर से सर्कल को पूरे अच्छे से काट लेना है। ये बहुत इजी है, आप इजी वे में बना सकते हो, आपको कोई भी मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कितने इंच ऊपर से लेने हैं, कितने इंच साइड से लेने हैं। इस तरह से देखिए मैंने काट लिया है, इस तरह से ये दोनों बाजू बनके रेडी हो गए हैं। इस तरह से ये देख सकते हो आप, दोनों बाजू बनके रेडी हो गए हैं और इस तरह से हमारा श्रग तैयार हो गया। मैं अब इसे आपको इसे पहन के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा श्रग बनके बिल्कुल रेडी हो गया है, ये इस तरह से। आप इसे नॉर्मली यूज कर सकते हैं और इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, ये एक सिंपल, आप ऐसे देखो ये एक प्लेन दुपट्टा है, बस मैंने इस तरह से बाजू काटा है और इस तरह से हमारा श्रग बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब चाहो तो यहाँ पे एक डोरी लगा के इस तरह से आप इसे ऐसे भी वेयर कर सकते हो। और मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।